जैन साथियों, कैसे आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों स्टूडियो में 2020 की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में दोस्तों बात करेंगे जो आपकी अभी हाल ही में आई हुई है। आपके फॉर्म ये कब से स्टार्ट होंगे, इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, आपकी एज लिमिट क्या रह सकती है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है आपसे, और पोस्ट का नाम क्या है इसमें आपका, हम सारे डिस्कस वीडियो में दोस्तों करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2020 भर्ती धमाका। दोस्तों 2020 की सबसे बड़ी भर्ती है ये, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। अगर आप इस जॉब में लग जाते फ्रेंड्स, अपना लक समझिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट, अगर हम आपकी टोटल वैकेंसीज की बात करें, इसमें आपकी टोटल पोस्ट 2745 2745 आपकी टोटल पोस्ट है इसमें, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स, ठीक है। और नीचे आइए, अगर आपकी पोस्ट नेम की बात करूँ, आपकी ये जो पोस्ट नेम है गाइस, सब इंस्पेक्टर की आपको इसमें पोस्ट मिलेगी, सब इंस्पेक्टर की इसमें आपको पोस्ट मिलेगी इस जॉब के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों ये। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एज लिमिट, इसमें अगर आपकी मैं एज लिमिट की बात करूँ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 20 से 25 ईयर, इसमें आपकी टोटल एज दोस्तों 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जो भी जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए, ठीक है। इसमें अलग से आपको छूट दी गई है, एससी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, आप आराम से। और दोस्तों अगर आपकी मैं इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डिग्री, आपके पास दोस्तों डिग्री होनी चाहिए, अपने बीए बीएससी बीकॉम आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिएगा, ओके। नीचे देखिए डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज, दोस्तों यहाँ पे देखिए वैकेंसीज और डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। एसआई इन दिल्ली पुलिस मेल, जो भी दोस्तों बॉयज हैं एसआई दिल्ली पुलिस में, आपकी वैकेंसीज 132 है इसमें। एसआई दिल्ली पुलिस फीमेल, और दोस्तों फीमेल की 79 वैकेंसीज इसमें, और बॉयज की 132 है। और दोस्तों नीचे देखिए एसआई इन सीएपीएफ, आपकी वैकेंसीज 2534 वैकेंसीज आपकी इसमें। तो दोस्तों आपको मैं सजेशन करूंगा कि आप ये फॉर्म पक्का फिलअप कीजिएगा, इसमें टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पे 2534 वैकेंसीज आपकी एसआई इन सीएपीएफ में, ठीक है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है ये, ओके। और दोस्तों नीचे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जनरल ओबीसी 100 रुपए फीस, और एसटी एसटी फीमेल के लिए 0 फीस है इसमें। फ्रेंड्स जो भी एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है, और जो भी जनरल ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए 100 रुपए इसमें आपको फीस पे करनी पड़ेगी फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। और दोस्तों नीचे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें अगर आपकी मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, पेपर वन एग्जाम, पीटीपीएसटी, पेपर टू, डीएमई, लास्ट में आपका होगा ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है, फिर आपके एडमिट कार्ड आएंगे रिटन टेस्ट के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपका इसमें पेपर वन होगा, फिर पेपर टू होगा। पेपर वन होने के बाद इसमें देखिए पीटी पीएसटी आपका इसमें होना अनिवार्य है दोस्तों। जब आप पेपर फर्स्ट क्लियर कर लेते हो, जब भी आपका पीटी पीएसटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट पेपर में फेल हो जाते हो किसी भी कारण से, आप पढ़ाई नहीं करते हो कुछ भी, ठीक है, अदर इशू हो जाता है, तो आप पीटी पीएसटी में आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा आपको फर्स्ट पेपर क्लियर करना जरूरी है अगर आप पीटी पीएसटी तक पहुंचना चाहते हो तो, ठीक है। और जब आप पीईटी पीएसटी कर लेते हो फ्रेंड्स, जब आपका पेपर टू होगा, पेपर सेकंड, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका डीएमई जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं, फिर आपका वो होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। और दोस्तों नीचे देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट, 17 अप्रैल से दोस्तों फॉर्म फिलअप कर पाओगे आप, और उसकी लास्ट डेट दी गई है इसमें 16 मई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 17 अप्रैल से आप फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, और 16 मई इसकी लास्ट डेट है इसमें आपकी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप सब, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ डाउट लगता है प्लीज मुझे कॉमेंट कर सकते हो, आपको जॉब 100% दूंगा। आपको कुछ भी बात पूछनी हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में, आप मुझे बेझिझक कॉमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।